अरे बाबा नायक पर आदमी हो के नायक पर आज बेटा हमरा आया कनमन बना चला गया। ये बड़ा बेटा था आपका? कौन पूर्ति करेगा मेरा, कौन पूर्ति करेगा मेरा बेटा चला गया। अपने पुत्र को भी सेना में भर्ती करवाना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं कराऊंगी, सेना में भर्ती, सेना में करवाना चाहेंगे। कितने वर्ष का है अभी आपका लड़का? 10 वर्ष का। 10 वर्ष का। देख लें कि यही वो वाहन है जिस वाहन पे इस धरती का वीर सपूत का पार्थिव शरीर आज पहुंचा है अपने पैतृक गांव, यानी कल जिस झपानी गांव के वीर सपूत रविंद्र कुमार की इलाज के क्रम में आर्मी हॉस्पिटल लखनऊ में लगभग 8 से 8:30 बजे उनका हुआ था मौत, और हम उसे मौत नहीं कहेंगे बल्कि अपनी मातृभूमि की सेवा करते करते वो शहीद हुए थे, और अभी अभी तुरंत उनका पार्थिव शरीर सेना की एक टुकड़ी के साथ पहुंचा है उनके मातृभूमि जन्मभूमि पैतृक गांव झपानी में, और इस समाज के हर वर्ग के लोग अपने वीर शहीद सपूत का अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कैमरामैन से चाहेंगे कि यहां जो भीड़ उनका अंतिम दर्शन करने के लिए है आए हैं, यानी अपने वीर सपूत इस मातृभूमि के अपने पुत्र को आज देखने के लिए आए हैं, यह कोई बुलाया हुआ भीड़ नहीं है बल्कि अपने इस गांव के शहीद पुत्र का अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं। और कल ही इस क्षेत्र के लोगों को जानकारी मिल चुका था कि मेरे गांव का बेटा हो चुका है शहीद। कल तक जो आते थे गांव गांव गली गली वोट मांगने, आज तक आज जबकि पहुंच चुका है शहीद पुत्र का पार्थिव शरीर, एक भी उम्मीदवार और नेता नहीं दिया है दस्तक इस गांव में, और कल तक जो हाथ जोड़कर मांग रहे थे वोट जुटा रहे थे वीर, इस गांव का वीर सपूत हो चुका है शहीद, लेकिन सुध लेने नहीं पहुंचा है, आगे फोटो सेशन करने के लिए आएंगे वो जरूर। यहां की जनता से पूछेगी उनसे सवाल जरूर, चाहे वो किसी दल के नेता हो, मैं किसी पार्टी विशेष पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि सभी दल और सभी दल के नेताओं से जो मुंगेर लोकसभा में बने थे उम्मीदवार आज कहाँ है, इस समाज का बेटा हुआ है शहीद, कोई सुध लेने वाला नहीं, वोट लिए चल दिए। यहाँ के कुछ लोगों से करते हैं बात, आपके गांव का बेटा देश की सेवा करते करते शहीद हुआ है जी। तो क्या आपको गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, हमारे बच्चे के प्रति बहुत कुछ सोचा था, कई बार प्रतियोगिता भी करवाए थे जिसमें मेरा पुत्र खुद भाग लिए थे और बहुत सहयोग भी कर रहे थे और बच्चों के प्रति बहुत लगाव थे पूरे गांव का। जी क्या कर रहे हैं आप? पूरे इस एरिया में एक एकेडमी चलाते थे, ये यहाँ किनारपुर में 5 बिघी हम लोग बोलते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे एक एकेडमी चलाते थे दौड़ के लिए, बराबर मतलब कि प्रोत्साहन राशि दे के अपना पैसा खर्च करके मतलब दौड़ कराते थे, गोला फेंक भाला को पहला बार यहाँ पे कराते थे यहाँ किनारपुर में। यानी एक तरह से कहा जाए कि सेना में जाने के बाद भी हाथ उनका कटा हुआ था? हाँ, हाथ एक कटा हुआ है, कैंसर था। कटे हुए पर भी वो हम लोग को सहायता करते, बहुत सहायता, यानी उनकी दिली तमन्ना थी। हाँ, बहुत समाज के लोग, समाज वो सीधा सोचते जितना भी है ना दौड़े सबका नौकरी हो जाए, हम खुद उसका मतलब मेरा चचा लगते थे रिलेशन में। अच्छा। तो हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब की बहुत ज्यादा। 2013-14 में हम लोग SSC GD में एकदम दौड़ पास करा, हाथ पकड़ पकड़ के दौड़वाते थे वो, हम लोग सुबह जागते नहीं तो हमको आते थे मारते थे, चलो दौड़ने के लिए जाते थे हाँ पहाड़पुर तक दौड़ते, उसे ना फिर लौटते थे 5 किलोमीटर का। वो कमी तो अब खलेगी? हाँ, जरूर खलेगी, कैसे नहीं खलेगी, बहुत ज्यादा खलेगी सर। तो फूल रहे हैं अपनी अपने अनुसार, अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं अपने समाज के वीर सपूत को खोने के बाद। खेल में भी सर वो लोग बहुत, खेल में हम लोग को बहुत सहायता करते थे, जैसे हम लोग तो बच्चे थे मतलब पैसा का आवक नहीं हम लोग के पास, तो जब भी आते थे तो बैट बॉल गेंद इंट्री में भाग लेते थे, खेलते खुद नहीं थे, बोलते चलो भाग लेना हम खिलाएंगे सबको। कभी कभी ऐसा होता था दोनों टीम का वही पैसा दिए हुए रहते थे इंट्री में। अच्छा। बहुत बार ऐसा हुआ है, हम लोग का यहाँ पे फील्ड है, हम लोग खेलते थे तो वो हार जाए जीत जाए मैच लगाते थे, हार जाए जीत जाए वही खर्चा करते थे, कोई दिक्कत नहीं चाहे कुछ भी हो जाए इस नेचर के। हाँ बहुत अच्छा, तो उसको मतलब कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मतलब बहुत समाज अच्छे के लिए बहुत बढ़िया थे। हाँ। तो सामाजिक चीज के लिए, समाज के लिए वो बहुत बढ़िया ही लोग थे, और देश के लिए, देश के लिए भी तो थे ही, देश के लिए तो खूब बढ़िया ही थे ही, साथ सामाजिक भी, सामाजिक थे, खूब बढ़िया सामाजिक थे। देख ले कि यही शहीद रविंद्र
कुमार यादव जी की धर्म पत्नी है और अपने पति के शहीद होने के उपरांत आज किस हालत में है, क्या कुछ बोल पाती हैं अपने पति के शहीद उपरांत, क्या इनका पहला शब्द होता है, हम जानने का करते हैं प्रयास। पूछने की तो दिली तमन्ना दिली इच्छा नहीं है कि इन पे क्या बीत रहा होगा, लेकिन फिर भी हृदय कठोर के साथ इनसे करता हूं पहला सवाल, क्या कहेंगे मैडम देश के लिए आपका पति शहीद हुए, कुछ बोल सकती है? देश के लिए ही वो शहीद हुए हैं। शहीद हुए हैं? हाँ शहीद हुए हैं। आपके दो पुत्र हैं? दो पुत्र है, एक लड़की है। एक लड़की है जी। तो क्या अपने पुत्र को भी सेना में भर्ती करवाना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं कराऊंगी, सेना में भर्ती, सेना में करवाना चाहेंगे। कितने वर्ष का है अभी आपका लड़का? 10 वर्ष का है। 10 वर्ष का? हाँ। तो अभी तो आर्मी की टीम आई है, उसके अलावे क्षेत्रीय कोई नेता जनप्रतिनिधि भी आपके घर पे पहुंचे थे जानकारी मिलने के बाद? नहीं मैं यहाँ नहीं थी, मैं खुद उनके साथ आई। और साथ ही आए हैं? हाँ। आप कौन हुई मैडम? हम कोई नेता नहीं आया, हम है गौतम, कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ठीक, रविंद्र कुमार आर्मी की माता श्री, और शायद आपका तीनों बेटे नाम है बाला बाला नायक पर आज दिन हो के नायक पर आज बेटा हमारा कनमन बना चला गया। ये बड़ा बेटा था आपका? कौन पूर्ति करेगा मेरा, कौन पूर्ति करेगा मेरा बेटा चला गया, पापी लड़की बचल दिया, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। और दोनों जो बेटा है सेना में वो पहुंच चुके हैं यहाँ? संजय बेटा सियाती है। अच्छा। पहुँच गया। तिंटू बेटा आर्मी है, नायक पर रास्ता है, वो अभी नहीं आया है? नहीं, 5 बजे धन में आएगा। बेटी भी रास्ता में है, आएगा। नीतू कुमारी, नीतू देवी, निशा देवी आ गया, निशा देवी आ गया। बेटी दो है आपकी? हाँ बेटी रास्ता में है, पटना में, पटना में। तो पांच की बेटी। हाँ बेटा भी आ रहा है, पिंटू बेटा आ रहा है। इसको नौकरी दो, नौकरी की मांग करते हैं आप सरकार से? दो इसको बीवी के बच्चा के सर के पालन नाती कीजिए, हमारा कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं नहीं वो तो सरकार कर, सरकार के पास मांगा नहीं है, मेरा भी दीजिए, मेरा भी दीजिए। हाँ हाँ हमारा हमारा। ठीक ठीक। हाँ ठीक, बस जाइए जाइए माता। मुँह मलिन छ मम्मी, मुँह मलिन छ मम्मी, मुँह मलिन छ काहे मलिन काहे छ, तो की कमी छ, की कमी छ, कपड़ा लत्ता बढ़िया पहने छी, आज चल खरीदे ले, आ चल हम खरीदे ले। नौ ये सभी आपके बेटा कहते थे? हाँ ये बेटा हट गई, मैं हटे नहीं, मैया तो नहीं मम्मी हमारा मन नहीं लगे छो, मम्मी मन नहीं लगे छो, तो रहे छी मम्मी हमारा मन लगे छो, मन सुना रहे छो। झपानी गांव में शहीद रविंद्र कुमार यादव उर्फ मंटू का पार्थिव शरीर कुछ समय के लिए उनके बथान पे रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, और अंतिम दर्शन उपरांत फिर से पार्थिव शरीर को उसी वाहन पे लोड कर आगे की ओर यानी सिंगिया घाट में अंतिम दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, और विद्यापीठ चौक से NH-80 के किनारे जगह जगह गांव गांव में लोग इंतजार करते दिखे वीर सपूत शहीद रविंद्र कुमार के पार्थिव शरीर पे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और यह अंतिम नज़ारा है शहीद रविंद्र कुमार के गांव का, जहां से जा रहा है अंतिम दाह संस्कार के लिए शहीद रविंद्र कुमार का पार्थिव शरीर अपने पैतृक गांव से। और यह दृश्य है उनके झपानी गांव, संपूर्ण गांव का भ्रमण उपरांत सिंगिया के पवित्र गंगा तट के किनारे शहीद रविंद्र कुमार का अंतिम दाह संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया जाएगा। आपको बताते चले कि लखीसराय जिला के मेदिनी चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत झपानी गांव निवासी सुरेश यादव के बड़े पुत्र शहीद रविंद्र कुमार यादव उर्फ मंटू अपने पीछे अपने माता पिता, अपनी पत्नी, दो पुत्र और एक पुत्री को छोड़ कल लखनऊ के आर्मी हॉस्पिटल में लिए थे अंतिम सांस। आज उनका होगा अंतिम दाह संस्कार। जय हिंद, नमस्कार।